देखा जाता है जब भी किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार समिति कोई कार्रवाई शुरू करती है, यानी कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस कोई प्रोसीडिंग शुरू करती है, तो वो शख्स उस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता। लेकिन मेरे को मजबूरन आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि इतना दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी अपने बयान में ना कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में, ना ऑनरेबल चेयर के बारे में कोई भी बयान दूंगा। मैं सिर्फ रूल, पोजीशन और सच्चाई आपके सामने रखूंगा। पहली चीज तो यह है कि यह रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है, यह रूल बुक लाल किताब, इसमें लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं, कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है, और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमिटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई। मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को, आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको, अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ, मैं आपको चुनौती। और आप सब वो मेरी बात समझ जाए। मान लीजिए कि मेरा जन्मदिन, मैं अपनी जन्मदिन की दावत देता हूं, एक बर्थडे पार्टी आयोजित करता हूं। अपनी बर्थडे पार्टी में मैं 10 लोगों को न्योता देता हूं आने के लिए, 10 में से 8 लोग मेरा न्योता स्वीकार लेते हैं, आ जाते हैं, 2 लोग मेरा न्योता नहीं स्वीकारते, उल्टा मुझे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने की, तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मजाल कैसे होगी कि तुमने हमें अपने जन्मदिन का न्योता दे दिया। ये वही बात है, मैंने तो समिति में शामिल करने के लिए न्योता दिया, कोई हस्ताक्षर थोड़ी दिया। इनको दिक्कत यह नहीं है कि मैंने नाम प्रस्तावित करे, इनको प्रॉब्लम यह नहीं है कि मैंने किसी कमेटी के गठन के लिए कुछ एमपीस के नाम दे दिए, इन्हें दिक्कत यह है कि एक 34 साल के युवा ने हमें खड़े होकर ललकारा कैसे। एक युवा ने हमसे मजबूती से सवाल कैसे पूछे, और कैसे एक इस सुपारी जितनी पार्टी, जैसा कि गृह मंत्री जी कहते हैं, इस सुपारी जितनी पार्टी के एक युवा सांसद ने दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं से, देश के सबसे बड़े सदन में खड़े होकर सवाल कैसे पूछे।